कुछ लड़कियां होती है ना जो 25-30 साल की भी हो जाए लेकिन लगती एकदम बच्चों जैसी, हाँ तो उनमें से हूँ मैं। ये मेरा टिकटॉक वीडियो है जो मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे ही बस ऐड किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा टोटल वेट हो गया था 70 kg। उसके बाद कैसे मैंने अपना वेट लूज़ किया और अपने बॉडी को कैसे एक शेप में लाई, वो आज मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद अपना वेट आप लूज़ करें, नहीं तो वो वेट हमेशा के लिए रह जाएगा, मतलब मोटापा रह जाएगा। तो आप क्या करें, कैसे करके अपना वेट लूज़ करें, उसके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और ये एक्सरसाइज सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा वेट गेन होता है उसको लूज़ करने के लिए नहीं है, नॉर्मली भी जो थोड़ा हेल्दी है चाहते हैं अपना वेट लूज़ करना, अपना टमी फैट थोड़ा लूज़ करना, थाई फैट लूज़ करना, वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में। मैंने कभी भी जिम ज्वाइन नहीं किया, बस घर में ही मैं करती हूँ एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत डाइटिंग का ध्यान रखती हूँ। आप भी चाहें तो वैसा करके अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक ग्लास गर्म पानी ज़रूर पिएं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ वार्म अप से। आप भी याद रखिए, कुछ भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप बहुत 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 ज़रूरी है। आप एटलीस्ट 8-10 मिनट्स वार्म अप ज़रूर करें, नहीं तो एक्सरसाइज करने के टाइम पे कहीं पे भी मोच आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वार्म अप करना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि बॉडी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है और आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाते हैं। और मैं यहाँ पे वार्म अप का कुछ इजी स्टेप्स आपको दिखा रही हूँ जो कि मैं भी रेगुलरली करती हूँ, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको करने में। आप ये वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूर करें। फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वो है साइड बेंड। इससे क्या होता है कि साइड बेली फैट जो हो जाता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसको करेंगे तो साइड बेली फैट बहुत आपका कम हो जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वो है जंपिंग जैक्स। इसको करने से पूरा बॉडी टोन होता है, थाई फैट, बेली फैट, आर्म फैट को लूज़ करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये एक्सरसाइज करने के बाद नेक्स्ट में जो भी एक्सरसाइज करूँगी उसको करने में मुझे थोड़ा इजी होता है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा फ्री हो जाता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वो लोअर बॉडी पार्ट के लिए है, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी लोअर बॉडी पार्ट थोड़ा हैवी हो जाता है, और वैसे भी जिन जिन लोगों का थोड़ा वेट ज़्यादा होता है तो नॉर्मली लोअर बॉडी पार्ट ही थोड़ा हैवी होता है, लाइक आपका थाई पर्सन बोल लो और लोअर बेली, ये थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी भी है और बहुत बेनिफिशियल भी है। ये करने से आपको 15-20 दिन में आप तो फर्क ज़रूर महसूस कर पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज मैं करती हूँ, दो एक्सरसाइज करती हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये एक्सरसाइज करने से आपका स्टेमिना भी इंक्रीज़ होता है, मतलब आप धीरे धीरे करके अपने एक्सरसाइज का जो टाइमिंग है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है स्क्वाट। ये भी आपके लोअर बॉडी पार्ट के लिए ही है, और ये एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता है और स्टेमिना इंक्रीज़ होता है, और आपका जो लोअर बॉडी में जो फैट जमा हो जाता है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, लोअर बेली के साइड में जो फैट जमा हो जाता है वो थोड़ा कम होता है, थाई फैट कम होता है, और आपका नी थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। इस एक्सरसाइज का नाम है ब्रीज पोज। इसमें आपको अपने बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठा के उसी पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना होता है 30 या 40 सेकंड, ऐसा आपको जितना मतलब कंफर्टेबल लगे आप उतना रख सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो हिप मसल्स है और जो थाई मसल्स है वो टाइट होता है, कोर मसल्स टाइट होता है, और ये बेली फैट भी कम करता है थोड़ा सा। जितने भी सारे एक्सरसाइजेस मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं खुद करती हूँ वो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके वेट लॉस में, एंड साथ ही साथ आपके जो बेली फैट होता है, थाई फैट होता है, वो सब कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं करती हूँ लेग रेज। ये अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में
10 टू 12 रिपीटेशन एक सेट में आप कर सकते हैं। ये एब्डोमिनल मसल्स को थोड़ा टाइट करता है, बेली फैट रिड्यूस करता है, हमारा जो लोअर बेली फैट जहाँ पे ज़्यादा फैट जमा होता है उसको रिड्यूस करता है, थाई फैट को ऑब्वियसली कम करता है। और इस एक्सरसाइज को करने के टाइम पे अपने दोनों हाथ को अपने हिप के नीचे रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नी बेंड, ये भी पिछली एक्सरसाइज की तरह सेम ही है, ये भी एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करता है, अपने लोअर बेली फैट को कम करता है। इसको आप रेगुलरली करेंगे तो 15 टू 20 डेज में फर्क पता चल जाएगा कि आपका फैट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में करती हूँ हाफ क्रंच एंड नी टचिंग एक्सरसाइज, ये भी बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिगनिंग में 15 रिपीटेशंस इच साइड में आपको करना होगा, देन धीरे धीरे आप रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है बाइसाइकल क्रंच, बाइसाइकल जैसे चलाते हैं ना वैसे पोजीशन में ये एक्सरसाइज है। ये सारे ही एक्सरसाइज बेली फैट को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वो है साइड लेग रेज, इससे आपका साइड फैट कम होता है, हिप के पोर्शन में जो फैट जमा हो जाता है वो कम होता है, और थाई का जो जॉइंट है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, और साइड में थाई के साइड में जो फैट जमा हो जाता है वो कम होता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है एंड ईच साइड में 15 टू 20 रिपीटेशंस करना होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबिंग, और यहाँ पे मैं दो तरह के माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सरसाइज करती हूँ और वो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक है थोड़ा स्लो एक है थोड़ा फास्ट। और ये एक्सरसाइज में इसका जो प्रेशर है वो आपके एब्डोमिनल मसल्स पे पड़ता है और थाई मसल्स पे पड़ता है। एक्सरसाइज के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना निकला है, और अगर पसीना नहीं निकला है तो मतलब उस एक्सरसाइज का कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं थोड़ा मेरा जो डबल चिन है उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि 3-4 मंथ्स हो गया है मैंने फेस एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया तो मेरा डबल चिन थोड़ा दिख रहा है, तो इसलिए उसको कम करने के लिए अब मैं वो एक्सरसाइज भी करती हूँ। ये एक्सरसाइज करने से एक तो आपका डबल चिन कम होगा, सेकेंड में आपका जो लाइन थोड़ा शार्प होगा, आपका फेस जो थोड़ा ब्रॉड दिखता है वो थोड़ा नैरो दिखेगा, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा एज डिफरेंस भी आता है, मतलब डिफरेंस आता है मीन्स लुक वाइज आप थोड़ा कम एज के दिखते हो। सारा एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा मेडिटेशन जैसे कहते हैं उसी पोजीशन में बैठी रहती हूँ थोड़ी देर के लिए, अपने आप को थोड़ा कूल करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे हार्ट बीट थोड़ा फास्ट हो जाता है तो उसको नॉर्मल पोजीशन में लाती हूँ। तो ये था मेरा एक्सरसाइज रूटीन डेली मॉर्निंग का। आप ज़रूर बताइए मुझे आपको ये एक्सरसाइज वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।